आइए जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा मई 2023 का मासिक राशिफल। वृश्चिक राशि एक जलीय राशि है और काफी स्थिर है, जिसका स्वामी मंगल है। इस राशि के जातक काफी दृढ़ निश्चयी और आक्रामक स्वभाव के होते हैं। इस राशि के जातक काफी जल्दी फैसले लेते हैं और उस पर टिक कर भी रहते हैं। उनके पास अच्छा और बुरा परखने की समझ होती है और उन्हें भविष्य की बातों का आभास हो जाता है। इस राशि के लोग हमेशा मुश्किल स्थिति को बेहतर ढंग से हैंडल करना जानते हैं, लेकिन इसी के साथ इस राशि के लोग कई बार अपने फैसलों को लेने में जल्दबाजी कर देते हैं, जिसके कारण ये अपने लिए कई परेशानियां खड़ी सकते हैं। आपके मून साइन के मुताबिक बाहरवें घर में केतु के प्रभाव से जातकों को असुरक्षित और चिंतित महसूस होगा। इस महीने बृहस्पति छठे घर में गोचर करेगा और इसके प्रभाव से आपको अपने पैसों के मामले को बेहतर ढंग से प्लान करना पड़े, ताकि आप किसी भी तरह के आर्थिक नुकसान से बच सकें। बृहस्पति और केतु की प्रतिकूल स्थिति के कारण जातकों पर किसी तरह का कर्ज लेने का दबाव भी बन सकता है, क्योंकि आप कई चीजों से प्रतिबद्ध होंगे। शिक्षा व करियर, शनि के सातवें घर में होने के प्रभाव से आपको अपने करियर में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। इसके प्रभाव के कारण हो सकता है कि आप अपने कामों को समय से पूरा ना कर पाए। आपको अपने काम के ऊपर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। काम में गलतियां और चूक होने की संभावनाएं हैं, इसलिए आपको ज्यादा सतर्क रहना होगा। छठे घर में बृहस्पति के होने से जातकों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपकी नौकरी में कोई बदलाव हो या आपको अपनी नौकरी में पूरी संतुष्टि महसूस ना हो। नौकरी में आपको किसी और जगह भी भेजा जा सकता है। इस राशि के जातकों को अपनी नौकरी को लेकर ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि काम में कम संतुष्टि या फिर पहचान ना मिलने के कारण नौकरी में बदलाव की संभावनाएं हैं। आर्थिक स्थिति, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना आर्थिक मामलों में मिले जुले नतीजे दे सकता है, यानी आपको पिछले महीने की तुलना में हानि भी हो सकती है और लाभ भी। बृहस्पति के छठे घर में होने का ये संकेत है कि जातकों को किसी भारी खर्चे का सामना करना पड़े। कभी कभी स्थिति जातकों के हाथ से बाहर निकल जाती और वो इसे मैनेज करने में चूक सकते हैं। केतु 12वें घर में है और बृहस्पति के छठे घर में होने से परेशानियां और बढ़ने की संभावना है। वहीं चौथे घर में शनि है, जिसके कारण परिवार में होने वाले खर्च बढ़ सकते हैं। वहीं छठे घर में राहु के होने से इन जातकों अपने पुराने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए लोन के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम व पारिवारिक, चौथे घर में शनि के होने के कारण वृश्चिक राशि वालों को अपने प्रेम संबंधों को लेकर काफी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शनि की स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं है। इसके असर से आपका प्रेम जीवन प्रभावित हो सकता है। आपके रिश्ते में प्रेम और आपसी समझ की कमी आने की भी संभावना है। दूसरे और पांचवें घर का स्वामी और लाभकारी ग्रह बृहस्पति इस महीने छठे घर में है, जिससे प्रेमी जोड़ों को मिले जुले नतीजे मिलने की संभावना है। जो लोग इस महीने में अपनी शादी करने की योजना बना रहे हैं, बेहतर होगा अगर वो इसे आगे के लिए टाल दें, क्योंकि अभी के लिए ये फैसला आपके लिए उतना लाभदायक नहीं होगा। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल के 9वें घर के स्वामी के रूप में वहाँ होने के प्रभाव के कारण परिवार में बहुत अधिक परेशानियाँ पैदा होने की संभावना है, जिसके कारण परिवार में कम खुशियाँ होंगी। बातों की समझ की कमी के कारण परिवार में अहंकार की दिक्कत हो सकती है। घर में अच्छे और शुभ माहौल की कमी के कारण परिवार में खुशियां कम होंगी। स्वास्थ्य, छठे घर में राहु के होने से वृश्चिक राशि वाले जातक अपनी सेहत को बेहतर बनाने में सफल रहेंगे। इस महीने पांचवे और दूसरे घर के स्वामी के रूप में बृहस्पति छठे घर में मौजूद है और शनि पहले से ही चौथे घर में मौजूद है, जिसके प्रतिकूल प्रभाव से आपके आराम में कमी आने की संभावना है।
राशि के स्वामी ग्रह मंगल की प्रतिकूल दशा के कारण जातकों को कंधों में और टखनों में दर्द की शिकायत हो सकती है। उपाय, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मई माह के लिए वृश्चिक राशि का शुभ रंग नारंगी रहेगा और शुभ अंक 9।